ये जादुई कहानी है मुनमुन की, जो अपने माता पिता और अपनी दादी के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। मुनमुन के पिता दर्जी थे, जो दिन रात कड़ी मेहनत करते लेकिन ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते, फिर भी वो सब खुशी खुशी रहते थे। सभी नगरवासियों सुनो, सुना सुना सुनो। एक दिन वहाँ की महारानी ने सभी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया, क्योंकि उस दिन उनके बेटे और राज्य के राजकुमार का जन्मदिन था। सुना सुना सुनो, सभी नगरवासियों सुनो, हमारे प्यारे राजकुमार 12 साल के हो गए हैं, जिसकी खुशी में महारानी ने एक बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया है, जो अगले महीने की 1 तारीख को होगी। साम्राज्य के सभी बच्चों को उसके लिए न्योता दिया जाता है। जरूर आए, जरूर आए, जरूर आए। ये! महल के अंदर पार्टी, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? ये पार्टी हमारी जिंदगी की सबसे खास पार्टी होगी। तुम क्या पहनोगी? मेरे पापा ने मुझे एक सुनहरा गाउन खरीदवाया है, मैं तो वही पहनूंगी। और मैं अपना सुंदर सा लाल गाउन पहनूंगी। तुम क्या पहनोगी मुनमुन? ओह, तुम इससे ये क्यों पूछ रही हो? तुम्हें पता नहीं, ये लोग बहुत गरीब हैं, इसके पास तो गाउन भी नहीं है। अरे हाँ, इसके तो रोज के पहनने वाले कपड़े भी फटे हुए हैं। क्या हुआ मुनमुन, तुम इतनी उदास क्यों हो? हाँ, तुम इतनी उदास क्यों हो मुनमुन? इस पार्टी में बहुत मजा आएगा, तुम्हारा मन नहीं है क्या? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर जाना चाहिए, तुम महारानी के न्योते को मना नहीं कर सकती। लेकिन कैसे पापा, मेरे सभी दोस्त अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होंगे, लेकिन मैं क्या पहनूंगी? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और इसमें तो वैसे भी पैसे बहुत लगते हैं। खैर, उस दिन पूरी रात मुनमुन बहुत उदास रही, उसके परिवार वाले भी उसे खुश नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, वो सुबह सुबह बाहर गांव में खेलने निकल गई, जैसा कि वो हर रोज करती थी। मुनमुन में एक बहुत खास बात थी, उसे पेड़, पक्षी, पौधे और जानवर बहुत पसंद थे। वो इन सब से इतना प्यार करती थी कि वो एक दिन भी उनके बगैर नहीं रह सकती थी। वो रोज सुबह खेलने निकल जाती और पूरे दिन पेड़, पक्षी और जानवरों से बात करती थी। ओ मेरे दोस्तों, तुम मुझे बहुत बहुत खुशी देते हो। मुझे लगता है मुझे ओक ट्री की ठंडी छांव में जाकर बैठना चाहिए। कितना आराम है यहाँ। लेकिन ओह नहीं, महारानी की पार्टी जल्द ही आने वाली है, मुझे क्या पहनना चाहिए? ये नहीं हो सकता, मेरी छाया के नीचे छोटी बच्ची रो नहीं सकती। कौन, कहाँ, कौन है जो मुझसे बात कर रहा है? ऊपर देखो।
पेड़, क्या ये तुम हो? तुम बात कैसे कर सकते हो? ऐसे ही होता है जब आप इतने सालों तक अकेले घनघोर जंगल में अपनी जिंदगी गुजारते हो, तो आप जादुई बन जाते हो। अब तुम बताओ, तुम मेरी छाया में बैठकर रो क्यों रही हो? ओह, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती। चलो भी बच्चे, बताओ मुझे, मेरे पास पूरे दिन अकेले इस जंगल में बैठने के अलावा और काम ही क्या है? शुरू हो जाओ, एक बढ़िया कहानी सुनाओगी तो मजा आ जाएगा। फिर शायद, क्या पता, मैं अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। ओ पेड़, मैं तुम्हें क्या बताऊं? गांव के सभी बच्चे महल में होने वाली राजकुमार के जन्मदिन की पार्टी में जा रहे हैं, और वो सभी बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनेंगे, लेकिन मेरे पास तो एक भी ढंग का कपड़ा नहीं है। तो क्या तुम मुझे एक अच्छा गाउन दे सकते हो? शायद तुम्हारी जादुई शक्तियाँ काम आ जाए। सच में बच्चे, तुम्हें क्या लगता है कि तुम सिंड्रेला हो और मैं कोई पम्पकिन फेरी? नहीं, मैं इस तरह का जादू नहीं कर सकता। ओह, कोई बात नहीं, खैर अब मुझे घर चलना चाहिए। रुको बच्चे, मैं ऐसा जादू तो नहीं कर सकता जो फेरी गॉड मदर कर सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बता सकता। ये पूरा जंगल ही अपने आप में जादुई है, क्या तुम्हें महसूस नहीं हो रहा? तुम हर रोज आती हो, यहाँ की हर चीज, ये पेड़ पौधे और ये पक्षी और जानवर, इन सब में अपने किस्म का जादू है, और अगर तुम अच्छे से मदद मांगोगी तो ये सब मिलकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल, सब बच्चों के पास बढ़िया बढ़िया कपड़े हो सकते हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक खूबसूरत दिल है, और एक यही चीज है जो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब जाओ यहाँ से, मेरे सोने का वक्त हो गया है। ओक ट्री की बातों ने मुनमुन का मन बहुत खुश कर दिया था, जिससे उसकी उदासी दूर हो गई थी और वो बहुत खुश थी। वो पेड़, पक्षी और जानवरों से बहुत प्यार करती थी, और जब उसने अपनी परेशानी के बारे में उन्हें बताया, प्यारी मुनमुन, तुम हमेशा से मुझे बहुत प्यार देती आई हो। मेरे गुलाब की सफेद पंखुड़ियाँ अपने गाउन के लिए तोड़ लो। तुमने मुझे शिकारियों से कितनी ही बार बचाया है, तुम मेरी पूंछ के पंख ले जाओ और उससे अपना गाउन बना लेना। तुम मेरे फर ले जाओ प्यारी मुनमुन, इससे तुम अपने गाउन के लिए एक अच्छी बेल्ट बना सकती हो, और हम तुम्हारे बाल बनाएंगे। हम तुम्हारे सुंदर बालों को और सुंदर कर देंगे। शुक्रिया, इन कीमती उपहारों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इन सब का मैं गाउन कैसे सिलूंगी? ये सब अपने पापा के पास लेकर जाओ, चिंता मत करो, ओक ट्री का जादू तुम्हारे साथ है। ये सब क्या है? पापा, ये सब उपहार मुझे जंगल के पेड़, पौधे, पक्षी और जानवरों ने दिए हैं। क्या आप इनसे मेरे लिए एक गाउन बना सकते हैं? लेकिन कैसे? पापा, आप शुरू तो कीजिए,
जंगल के जादू से सब बन जाएगा। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, लेकिन अगर तुम कह रही हो तो मैं कोशिश करता हूँ। खैर, ये गुलाब की पंखड़ियां तो जादुई हैं, इनको तो बड़ी आसानी से सिला जा सकता है। हाँ, मैं कुछ तो कर ही सकता हूँ। मुझे कुछ दिन का वक्त दो बेटा मुनमुन, मुझे लगता है मैं इससे कुछ न कुछ कमाल का जरूर बना पाऊंगा। और इस तरह मुनमुन के पापा ने अगले 3 दिन तक कड़ी मेहनत की। जब भी उन्हें किसी चीज की कमी होती तो मुनमुन जंगल में भाग कर जाती और अपने दोस्तों से मांग कर ले आती। अगले 3 दिनों में गाउन बनकर तैयार था। वही रात पार्टी की रात थी और मुनमुन तैयार हो रही थी। ओ पापा, ये तो बहुत अच्छा है, क्या अब मैं इसे पहन सकती हूँ? हाँ बिल्कुल मुनमुन, चलो आओ मैं तुम्हें पहनाती हूँ। वाह, आज तक मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। थैंक यू पापा, थैंक यू। और ये रहा तुम्हारा ताज, मेरी नन्ही राजकुमारी राजकुमार के जन्मदिन में जाने के लिए तैयार है। जैसे ही मुनमुन घर से बाहर निकली उसने गहरी ठंडी सांस ली और उसी वक्त आसमान से उस सितारे ने मुनमुन को देखा। कितनी खूबसूरत लड़की है, ये गाउन तो उस पर कितना सुंदर लग रहा है। आज तक मैंने इतना सुंदर गाउन कभी नहीं देखा, ये कितना सफेद और चमकदार है। लेकिन मैं इसे और भी खूबसूरत बना सकता हूँ। कैसे? स्टारडस्ट मेरे दोस्तों, चलो हम उस लड़की के गाउन पर थोड़ा स्टारडस्ट छिड़कते हैं। आओ हम इसे और चमकदार बना दें। हाँ, चलो चलो करते हैं। और फिर जब मुनमुन पार्टी में पहुंची, ओह ये लड़की कौन है? कौन वो? हे भगवान, ये तो मुनमुन है। वो गाउन देखो, ये तो बहुत महंगा लग रहा है, इसके गरीब पापा कैसे खरीद सकते हैं? मम्मी, वो कौन है? मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन ये जरूर तय है कि वो इस पार्टी का सबसे चमकता सितारा है। क्या मैं उसे अपना केक काटते वक्त साथ में खड़ा होने के लिए पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बेटा, सिपाही उस लड़की को ऊपर तक लेकर आओ। प्यारी बच्ची, क्या तुम राजकुमार के साथ खड़ी हो सकती हो जब वो केक काटेंगे? जी बिल्कुल महारानी। और इस तरह से ये रात मुनमुन की जिंदगी की सबसे सुंदर रात बन गई। जब राजकुमार केक काट रहा था तो वो उसके बिल्कुल साथ खड़ी थी। तो अगर आपका दिल साफ है तो आपकी जिंदगी में कोई ना कोई जादू जरूर होगा, जैसा कि हमारी प्यारी सी मुनमुन के साथ हुआ। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।